मॉम डैड आ गए हम लोग। ओहो कैसा रहा फोटो सेशन? कमाल का फोटो सेशन था डैड। भैया की एक्स गर्लफ्रेंड सही कह रही थी, भैया बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। हाँ भैया, मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी ना। हाँ ठीक है, भाभी माँ नहीं है यहाँ पे, घबराइए मत। अब वैसे जीजी माँ है कहाँ? मेरे ही साथ थी, फिर कहने लगी बोर हो रही हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। आती होगी। मैंने जीजी माँ का फोन भी ट्राई किया था पर अनअवेलेबल आ रहा था। फोन तो मैंने भी ट्राई किया था, फोन अनअवेलेबल था। रोमिंग है ना बेटा, नेटवर्क नहीं होगा। आएगी, क्यों चिंता करते हो? डैड वैसे कितनी देर हो गई? बेटा टाइम तो बहुत हो गया है। तो फिर तो हमें ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता भटक गई। और हाँ सुरेश तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम और विदान इधर आसपास चेक करो और मैं और उत्तरा होटल में ढूंढते हैं। और नियति बेटा तुम यहीं पे बैठ के रिलैक्स करो, तुम्हारे लिए टेंशन ज्यादा ठीक नहीं है। डैड अगर मैं यहीं बैठी रहूंगी तो और टेंशन होगी, मैं आप लोगों के साथ ही ढूंढती हूँ। वो भी ठीक है, चलिए चलो। क्यों ढूंढने जा रहे हो? तुम्हारी फाल्गुनी तो कफन में दफन हो चुकी है। माँ कहती थी एक जगह घिसने से रस्सी भी कुएं के पत्थर पर निशान छोड़ देती है। मुझे इस कैंची से एक ही जगह वार करते रहना है, ये लकड़ी भी टूट सकती है। आते ने कहीं देखा है? No. ध्यान से देखिए, कहीं देखा है? उधर देखते हैं। तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। फाल्गुनी वेटर, माँ कहती थी कुदरत ने सब जीव जंतुओं को समझती है हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने की। मिट्टी में रहने वाला कीड़ा भी रेंग रेंग के ही आगे बढ़ पाता है। यार स्वीटी जी मजा आ गया गोवा घूम के, आज शॉपिंग करी। एक्सक्यूज मी, ये जीजी माँ है, मेरी बड़ी बहन, आपने कहीं देखा है ना? ये मिल नहीं रही है। हायो रब्बा, ये तो फाल्गुनी है। आप मेरी बहू को जानते हैं? वो पाजी है तो काले मिली थी, वो कुछ शराबी मेरी स्वीटी जी को छेड़ रहे थे, इसने तो बड़ी जोर से थप्पड़ मारा था उस शराबी को। ये तो बड़ी बहादुर लड़की है जी। और वो शराबी तो इनको धमकी भी दे रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं इनको। फाल्गुनी
ऐसे नहीं मर सकती फाल्गुनी, ऐसे हार के नहीं, एक कोशिश और कर ले, जान लगा दे। मैनेजर साहब, मिसेस सूरी का कहना है कि इसी होटल की प्रमाइसेस में किसी शराबी ने उनके साथ छेड़छाड़ की, और जब हमारी बहू ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन शराबियों ने उसे धमकी और हमारी बहू गायब। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वो शराबी आपके होटल के स्टाफ वाले हैं या कोई विजिटर्स हैं या कोई गेस्ट है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ का स्टाफ ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता है। वो या तो गेस्ट होगा या फिर कोई विजिटर। हम आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे सर। आप सिर्फ बातें करेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे, शायद आप समझ नहीं सकते इस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी बहू पिछले कितने घंटों से लापता है, पता नहीं वो किस हालत। अरे फाल्गुनी बेटा, जीजी माँ, आप ठीक तो हो ना? ये कहाँ चली गई थी आप? अभी माँ कहाँ थी आप? हम लोग मैं परेशान हो गए थे, कहाँ थी आप? क्या हो गया ये? किसने किया ये सब? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बॉबी जी, ये तो वही शराबी है जिन्होंने उस दिन मुझे छेड़ा था और फाल्गुनी जी को धमकी भी दी थी। अरे भैया 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 भैया, नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। देखिए देखिए, प्लीज प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं इन्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ।
जी मैडम। मैं नहीं जानती तुम जैसे बेवकूफ इंसान पे मैंने क्यों भरोसा किया। क्या कह रहे थे तुम? वो लड़की जमीन के नीचे है, वो जमीन से ऊपर आ चुकी है, वो भी जिंदा। अगर तुमसे ये काम नहीं हो पाता तो मुझे बता दो, मुझे हर हाल में उस लड़की की मौत चाहिए, वो भी आज। कल वो हमारे परिवार के साथ जिंदा वापस नहीं आएगी। दिलीप पर पहली बार कोई भारी पड़ा है, लेकिन दिलीप जो एक बार कमिटमेंट कर लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। ये लड़की मरेगी, जरूर मरेगी, देख लेना आप। भैया बॉल साफ साफ यहाँ बाउंस हुई, भैया लाइन की तरफ देखो। मैंने देखा है, बॉल वहाँ पे बाउंस हुई थी। वो 6-2, आप हार रहे हो तो आप कह रहे हो कि बाउंस होगी उधर। मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं है, चीटिंग कर रहा है तू। अरे मैं क्या चीटिंग कर रहा हूँ भैया, आप हार रहे हो तो आप कह रहे हो भैया। मेरी स्कूल में भी यही आदत थी, हमेशा रोता था। सुपर, एक और उतरा। आप उतरा थोड़ा अपने राइट, ठीक है, थोड़ा सा और राइट, मजा आ जाएगा। हाँ थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और राइट। अरे बहुत अच्छी फोटो आ रही है, तुम थोड़ा और राइट हो सकती हो। और राइट, थोड़ा और राइट हो सकती हो, बहुत अच्छा आएगा समुंदर के साथ। हाँ बस 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 ऐसे ही स्माइल करो, थोड़ा सा और उधर हो जाओ उतरा, समुंदर के साथ हो तो माइंड ब्लोइंग लगती हो उतरा। और राइट हो जाओ जयंत, और हो सकती हो, बिल्कुल हो सकती हो, माइंड ब्लोइंग लग रही हो यार, ठीक है, बहुत ही सुंदर, वाह वाह, ये पोज भी बहुत ही अच्छा है ना? पफ। अब इस पोज में फोटो लीजिए, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग फोटोज आ रही थी तुम्हारी, कुछ तो बहुत अच्छी आई है। अरे ये कर रहे थे आप? नहीं तुम्हारी फोटोज ले रहा था, थोड़ा सा कहीं कहीं पे शिफ्ट हो गया कैमरा। अगर कैमरा थोड़ा सा हिलता तो मैं थोड़ी तो दिखती ना जयंत। थोड़ी दिख रही हो, मुझे लगता है मैं ये फोन फेंक ही दूं। अरे नहीं 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 नहीं, उतरा कोहा है यार, थोड़ी मस्ती कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको ऐसी मस्ती करते हुए? अरे मैं, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे यार मुझसे बात ही मत कीजिए, प्लीज बिल्कुल नहीं। कोहा में आके तो आपके रंग बदल गए। आप लोग लड़ने आए हो यहाँ पे, क्या हो गया? अरे डैड क्या हुआ? अरे यार मैं फोटो खींच रहा था, बीच में एक फॉरेनर आ गई, बस इतनी सी बात। बीच में फॉरेनर आ गए? हाँ। आपने मुझे राइट 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 कह के फ्रेम में से बाहर निकाला और उस फॉरेनर की फोटो ले रहे थे आप। अरे यार क्या मेरा थोड़ा फोकस हिल गया था, थोड़ा फोकस हिल गया था। हाँ अच्छा माफ कर दो। हाँ मॉम, मॉम कहते ना व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। नो, बहुत अच्छी बात कही है, व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। नो खड़ी होंगी, हस्बैंड को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है, जो सबसे पहले क्रॉस करेगा वो सिकंदर। अगर मेरी पत्नी मेरे पांव पे खड़ी हो गई तो मैं फिनिशिंग लाइन पे तो क्या मैं तो खड़े खड़े फिनिश हो जाऊंगा ना। कैसी बात है? मुझे वैसे भी ऐसी रेस में पार्ट लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी ऐसी रेस में पार्ट नहीं लेना। एक काम कीजिए, आप दोनों जजेस बन जाइए। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। 1, 2, 3 पता नहीं था नखरे वाली तुम इतनी भारी हो चुकी हो। ओ हेलो, ये नारी भारी तुम्हारे कारण ही हुई है। ये मेरा और अपने होने वाले बच्चे का मिला जुला वजन है। उठाओ बोझ और चलो, जीतना है हमें। चल ही रहा हूं। विधान चलो ना जल्दी। चलो चलो चलो, देखो देखो आगे निकल के वो। अरे यार ओए गिर गए, चल चल जल्दी चल। हां हां चल रेवा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तुम जानबूझ के हारे है ना फाल्गुनी। वो क्या है ना कि मैं छोटे को हारते हुए नहीं देख सकता। उसे हार पसंद नहीं है वरना उसका मूड खराब हो जाता। सुयश तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे क्या होता है? क्या होता है? मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। और इस तरह से इस रेस में मेरा बेटा विधान और उसकी पत्नी नियति जीत गए हैं। और अब हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को कुछ तोहफा देगी। ऑफ कोर्स छोटे जो तू बोले वो खाते में लिख लेता हूँ मैं, बाद में वसूल कर लूंगा करूंगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम जीतेंगे। बेटा अगर पति पत्नी में अच्छा सा तालमेल हो तो फिर वो कोई भी रेस जीत सकते हैं। आपको बड़ा पता है कि पति ने क्या करना चाहिए। पति को पत्नी की एक खूबसूरत सी तस्वीर खींचनी चाहिए। ये आपने कब खींची? जब तुम फिनिशिंग लाइन पे खड़ी थी। कितनी प्यारी है ना? प्यारी तो है लेकिन आपसे ज्यादा प्यारी नहीं। तुम नहीं जानते मुझे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है। काफी तारीफ सुनी थी मैंने तुम्हारी, तुम तो एक नंबर के फ्लॉप निकले। मैडम तुम्हारी बहू इतनी बढ़िया किस्मत लिखवा के लाई है ना, बार बार बचाती है। उत्तरा देवी किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकती। क्या है? मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। बाजी अब मैंने अपने हाथों में ले ली है। तुम बस वही करो जो मैं तुम्हें कहूंगी। तो फिर क्या सोचा?